Hello students welcome back to our online video classes I am Ghazala I hope you are all well and today we will do exercise of flying together but listen one thing very carefully you have to do your exercise only in your english book don't use notebook for your this work okay now let's start first of all see it is written here let's listen यानी आपको सिर्फ सुनना है लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ जो ये नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है इसे आपने ध्यान से सुनना है द आंट एंड द ड ऑन हीज वे होम एन आंट सो अ स्पार्कलिंग फाउंटेन ही क्रोल्ड ऑन टू इट वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक ऑन हीज वे होम अपने घर जाते समय रास्ते में एन आंट जो एक चींटी थी सो आ स्पार्कलिंग फाउंटेन उसने एक स्पार्कलिंग यानि चमकदार फाउंटेन यानि झरना देखा ही क्रोल्ड ऑन टू इट्स वॉल वो उसकी वॉल पर यानी जो उसकी दीवार थी उस पर रेंग कर चलने लगी क्रोल्ड मतलब रेंगना टू टेक अ क्लोज़र लुक उसे नज़दीक से देखने के लिए क्योंकि वो जो फाउंटेन था काफ़ी अट्रैक्टिव था उसका क्लोजर लुक लेने के लिए उसे नजदीक से देखने के लिए वो आंट उस फाउंटेन की जो वॉल थी उसकी दीवार थी उस पर क्रोलिंग करने लगी सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इन टू द वॉटर ही गर्गोल्ड एंड पैनिकड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर हेल्प, आई कॉन्ट स्विम ही क्राइड लकीली Just at the moment, a friendly dog flew by. She saw that the tiny ant was drawing and quickly flew to a nearby tree. Suddenly, suddenly means achanak. He slipped. Wo gaya. And fell into the water. Or pani mein gaya. He gurgled. Gurgled means lab, Gurgled. गड़गड़ गर मतलब गड़गड़ाना एंड पैनिकड और बहुत ज़्यादा घबरा गया एंड वेब्ड हिज लेग्स और वो अपने लेग्स को वेब्ड करने लगा हवा में हिलाने लगा इन द एयर हवा में हेल्प चिल्लाया हेल्प आई कॉन्ट स्विम मैं तैर नहीं सकता ही क्राइड वो चिल्लाया काइंड लकीली ख़ुशकिस्मती से जस्ट डेट जस्ट एट डेट मोमेंट उसी क्षण अ फ्रेंडली डव फ्लू बाई एक फ्रेंडली डव जो था वहाँ से उड़ रहा था शी सो उसने देखा दैट द टाइनी आंट वॉज ड्राइंग एंड क्विकली फ्लू टू अयर बाई ट्री शी सो उसने देखा दैट की द टाइनी आंट एक छोटी सी चीटी वोज ड्राॅइंग वो ड्राॅइंग हो रही है यानी डूब रही है एंड क्विकली और जल्द से फ्ल्यू टू अयर बाई ट्री वो एक नज़दीक के पेड़ के पास गई शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द आंट शी पुल्ड ऑफ अ लीफ उसने क्या किया एक लीफ को खींचा एंड लेट इट ग्लाइड डाउन और उसे फेंक दिया टू द आंट आंट की तरफ हेयर यू आर शी कूड वो चिल्लाए वो बोली हेयर यू आर तुम इसे लो एंड फ्लू अवे और वहाँ से वो उड़ गई एडेप्टेड फ्रॉम एस ऑफ फेबल्स ये एस ऑफ फेबल्स से लिया गया है स्टूडेंट्स देयर आर थ्री क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पैराग्राफ Listen it carefully and you will do its answer. You will do these answers in your book. Don't use notebook for it. First question is Why do you think the dove helped the ant? Second one How do you think the ant felt on finding the leaf? Third, Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone? हेल्प यू तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट आपको क्यों लगता है आपको क्यों लगता है आपको क्या लगता है कि डव ने आंट की हेल्प क्यों की सेकेंड है हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीव आपको कैसा लगता है आप क्या सोचते हैं कि आंट को कैसा लगा होगा जब उसे लीफ मिली होगी थर्ड है हैव यू एवर बीन इन ट्रबल क्या आप पर कभी कोई मुसीबत आई है लाइक द आंट आंट की तरह डिड एनी वन हेल्प यू क्या आपकी किसी ने मदद की ओके सी द फर्स्ट आंसर आई थिंक द डव हेल्प द आंट बिकॉज ही वॉज हेल्पिंग बाई नेचर तो मुझे लगता है कि डव ने आंट की हेल्प इसलिए की क्योंकि वो हेल्पिंग बाई नेचर है यानी वो अपनी आदत उसकी आदत है हेल्प करने की सेकंड है आई थिंक द आंट फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन फाइंडिंग द लीफ मुझे लगता है कि लीफ मिलने पर आंट बहुत खुश हो गया होगा और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको यानी अपने एक्सपीरियंस अगर आप पर कोई कभी ट्रबल आई है तो अपनी उस ट्रबल को आपने शेयर करना है और आपकी किसी ने हेल्प की है तो उस बात को भी शेयर करना है And don't use notebook for your this work.